सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में नवागत जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव के स्वागत समारोह का आयोजन एसोसिएशन के सभागार में किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के वीरेंद्र शाही पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे सहित नव निर्वाचित पदाधिकारी और अधिवक्ता सहित न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने अपने जिला जज को माल्यार्पण करके स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में अधिवक्ताओं ने कहा कि जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी और लोगों को सरल और सुलभ न्याय मिल सकेगा। हमारे माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। उसी दिन माननीय न्यायाधीश भी आ गए थे। वो तारीख था 21 सितंबर 1918। उसी दिन कानपुर मैंने किया और दूसरे दिन न्यूज देखा कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय आ गए हैं। उन्होंने साथ पत्रकारों को जो भी एड्रेस किया हो कि तत्कालीन तत्परता से जस्टिस दिया जाए, इसमें डिले नहीं किया। बहुत मुझे बहुत खुशी लगा कि आवाज़ सुनाई का जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड, जस्टिस बने, इन दोनों के बीच पूरे संतुलन मेंटेन करना और आशा है कि संतुलन मेंटेन किया जाएगा। मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब पढ़ते थे, उनके बड़े भाई आप लोग भी जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे और उन्होंने यह प्रैक्टिस किया था। 1985 की बात है कि बाद में इलेक्शन होने वाला था, मैं मंत्री पद के लिए खड़ा हो गया। मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मेरे पास आए, क्या मैं भी लड़ना चाहता हूँ। हमने कहा इससे अच्छी क्या बात है, वो दोनों अभी लड़ाए और साथ बाद इतिहास में पहली बार पहले तो ये पोस्टर पैनल रखे ही नहीं थे, घर घर जाने की प्रथा नहीं थी और भी बहुत प्रथाएं की बात कर ली वो भी नहीं थी। उन्होंने ये तय किया कि वो साथ निकलेंगे और साथ ही घूमेंगे, एक साथ उन्होंने निकल के पूरी की तहरीर घूमते थे, उसके बाद आकर चाय पीते थे, कंडू पिलाते थे, घर पे जाते। तब से मैं आपके यहाँ आपके छोटे भाई के श्रीनगर में रहते थे, जा सकता हूँ आपके यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ की परंपराओं को जानते हैं, यहाँ की हस्तियों को जानते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कतें हम लोग को आएंगी, ना आपको आएंगी ना हम लोग को आएंगी। एक ऐसे संस्कारित परिवार से हैं कि जिसके मैं तुरंत देखा है कि पूरे परिवार को क्या संस्कार थे। धीरे जी को मैंने देखा है, मेरे बड़े मतलब क्या आप पुराने सभी लोगों को जानते होंगे, तो ऐसे परिवार से आप आए हुए हैं कि इससे संस्कार आपके हैं और ये हम लोग सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर आप जनपद न्यायाधीश के रूप में आए हैं। वैसे तो यहाँ बार और देश की बहुत ही अच्छी परंपराएं चल रही है, दिल्ली में भी इसके पहले भी एक बार थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ था, लेकिन इधर लगातार बहुत अच्छी परंपराएं चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है इन परंपराओं का निर्वहन हमारे बार और देश दोनों लोग करेंगे, विशेष करके जब तक न्यायाधीश महोदय के निर्देश में कोई दिक्कतें आपको नहीं पैदा होंगी दूसरे सिस्टम में, मुझे इसका पूरा विश्वास है।